प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर शरिया का हवाला देते हैं हर बात पर, शरिया के वर्सेस बताते हैं। भैया तुम शरिया क्यों बता रहे हो, तुम अल्लाह की अल्हामी किताब जो अल्लाह ने नाजिल की है उस कुरान को ना मान करके तुम शरिया का जिक्र क्यों कर रहे हो? वो तो किसी व्यक्ति का लिखा हुआ है, किसी इंसान का लिखा हुआ है, वो तो मैं भी लिख दूंगी। जो मेरे दिमाग में आएगा वो मैं लिख दूंगी, जो तुम्हारे दिमाग में आएगा वो तुम लिख दोगी, लेकिन अल कुरान वो तो अल्हामी किताब है, तुम उसको मानोगे ना। जितनी मोहब्बत प्रॉफिट मोहम्मद से है उसका 10% मोहब्बत भी और इज्जत अब मुसलमानों के दिल में अल्लाह तबारक ताला के लिए नहीं है। जिस अल्लाह तबारक ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद को बनाया, उनको पहला और आखिरी नबी हमारा बनाया, हमारे ऊपर ये कहा कि हम उनको इज्जत दें, उनके ना रहते हुए भी उनको इज्जत दें, और अल्लाह तबारक ताला के फैसले पर और उनकी गवाही पर हमने प्रॉफिट मोहम्मद को अपना पहला और आखिरी नबी माना। लेकिन अब नबी के उम्मीदवार बहुत हो चुके, नबी की उम्मत बहुत हो चुके, लेकिन अल्लाह तबारक ताला की इज्जत मुसलमान पुरुषों के दिल से धीरे धीरे निकलती हुई नजर आ रही है। अब जो लोग नबी को मानते हैं वो नबी को सिर्फ मुंह से मानते हैं। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक धमाकेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी को, जो कि मजहब के ठेकेदारों के चीथड़े उड़ा देंगे। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और एक बात और कि सोशल मीडिया पर नाजिया लाई खान जी के खिलाफ एक बॉयकॉट की मुहिम चल रही है, पर हमने नाजिया खान जी को सपोर्ट करना है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। आप ये अपने इस्लाम की तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। हम इस्लाम मजहब से आते हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन आप अपने इस्लाम की तारीफ किसी के मत्थे थोप नहीं सकते, आप किसी की जुबान पर ठोक नहीं सकते हैं। जो लोग इज्जत से और शराफत से आपके इस्लाम की तारीफ जब तक सुन रहा है आप सुना सकते हैं, लेकिन अगर वो सामने वाला कह दिया है कि अब और हमको नहीं सुनना है, तो सूरह अल काफिरून के हिसाब से आप फोर्सिबली किसी को कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। ये सूरह अल काफिरून अल कुरान का कहता है, तो इसका मतलब है कि जो लोग भी हर एक देश में ये हरकतें कर रहे हैं, वो ना ही रसूल की उम्मत से आते हैं, और ना ही वो अल्लाह तबारक ताला को मानते हैं, और ना ही वो अल कुरान को मानते हैं। और एक नई दिशा स्टार्ट हो चुकी है मुसलमानों में एक नई दिशा स्टार्ट ये हुई है, एक नई स्ट्रैटेजी स्टार्ट ये हुई है, क्योंकि अल कुरान बहुत सारी गुनाहों पर बंदिशें लगा देता है, तो बहुत सारे क्राइम मुसलमान पुरुष नहीं कर पाते हैं, इसलिए अल कुरान को ना मान करके मुसलमान पुरुष शरिया को मानना स्टार्ट कर चुके हैं। हर बात पे शरिया का हवाला देते हैं, हर बात पर शरिया के वर्सेस बताते हैं। भैया तुम शरिया क्यों बता रहे हो, तुम अल्लाह की अल्हामी किताब जो अल्लाह ने नाजिल की है उस कुरान को ना मान करके तुम शरिया का जिक्र क्यों कर रहे हो? वो तो किसी व्यक्ति का लिखा हुआ है, किसी इंसान का लिखा हुआ है, वो तो मैं भी लिख दूंगी। जो मेरे दिमाग में आएगा वो मैं लिख दूंगी, जो तुम्हारे दिमाग में आएगा वो तुम लिख दोगी, लेकिन अल कुरान वो तो अल्हामी किताब है, तुम उसको मानोगे ना। जितनी मोहब्बत प्रॉफिट मोहम्मद से है उसका 10% मोहब्बत भी और इज्जत अब मुसलमानों के दिल में अल्लाह तबारक ताला के लिए नहीं है। जिस अल्लाह तबारक ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद को बनाया, उनको पहला और आखिरी नबी हमारा बनाया, हमारे ऊपर ये कहा कि हम उनको इज्जत दें, उनके ना रहते हुए भी उनको इज्जत दें, और अल्लाह तबारक ताला के फैसले पर और उनकी गवाही पर हमने प्रॉफिट मोहम्मद को अपना पहला और आखिरी नबी माना। लेकिन अब नबी के उम्मीदवार बहुत हो चुके, नबी की उम्मत बहुत हो चुके, लेकिन अल्लाह तबारक ताला की इज्जत मुसलमान पुरुषों के दिल से धीरे धीरे निकलती हुई नजर आ रही है। अब जो लोग नबी को मानते हैं वो नबी को सिर्फ मुंह से मानते हैं, वो नबी की बातों को नहीं मानते हैं। नबी का कहना है कि तुम चार शादियां बिना वजह के नहीं कर सकते हो, पर ये बिना वजह के करते हैं। नबी का कहना है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, पर मुसलमान पुरुष धड़ल्ले से तलाक देते हैं। नबी का कहना है कि जिस घर जो मर्द हलाला करता है
हम उसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। हलाला बड़ल्ले से होता है और हमारे भारत में सबसे ज्यादा होता है। नबी प्यारे नबी का कहना है कि जिस घर में निकाह मुत्ता होता है उस घर में फरिश्ते और रोजी और रिस्क नहीं आती है। हैदराबाद में छुट्टे आम निकाह मुत्ता होता है हमारे भारत में। नबी का कहना है कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और को अपना पीरो मुर्शिद मानता है उसको कभी भी माफी नहीं मिलेगी। हजारों लाखों मजार है जहां पर मुसलमान माथा टेकने जाते हैं और अगर उनको मना करो तो हमारे ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया जाता है। तो ये कौन से मुसलमान है जो ना अल्लाह को मान रहे हैं, ना अल कुरान को मान रहे हैं, ना प्यारे नबी को मान रहे हैं। प्यारे नबी ने बताया कि हमारे इस्लाम में, हमारे अल कुरान में कोई पीर नहीं होता, कोई पीर नहीं होता। जो है वो अल्लाह है और अल्लाह के बाद रसूल है। मानना है तो सिर्फ अल्लाह को मानो, सर झुकाना है तो अल्लाह के सामने झुकाओ। तो फिर ये पीर बाबा बन कहां से रहे हैं? ये जो खूबसूरत लिबास पहन करके, सर पे ताज पहन करके, टोपी पहन करके, खूब बढ़िया तस्बीह दाना हाथ में लेकर के YouTube चैनल पर जो तकरीरें चल रही हैं और YouTube से लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं, ये कहां से पैदा हो गए? तो वो मुसलमान जो अपने आप को नबी की उम्मत कहता है वो तो नबी की उम्मत है ही नहीं, वो तो झुट्टा है, वो मुसलमान तो लुच्चा है। वो अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए मुगल को फॉलो कर रहा है और कभी शाहजहां की तरह ठरके आजम बन जाता है, कभी औरंगजेब की तरह मर्डरर बन जाता है और कभी अकबर की तरह मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि जो नेचर मुसलमान पुरुषों का अभी दिख रहा है वो मेरे प्यारे नबी का तो नहीं है छवि, ये तो मुगलों की छवि है। शाहजहां एक नंबर का ठरकी था, औरंगजेब सिर्फ लोगों की हत्या करता था, बाबर और अकबर सिर्फ मंदिरें तोड़ता था। तो मुसलमान पुरुष तो अभी वही कर रहे हैं। और कुछ चंद लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं और भारत के लोगों से उनका बड़ा साठ गांठ है, वो चंद लोग जो मेरे लिए बहुत बड़े प्रोपगंडा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ना भूलें कि मैं नाजिया इलाही खान हूं। कॉलर पकड़ करके, घसीट करके, नंगा करके लेकर जाऊंगी सऊदी अरब, बुलवाऊंगी वहीं बैठ करके। और अगर भारत के संविधान के हिसाब से लड़ेगा तो बहुत बहुत बुरा दिशा करूंगी मैं संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हमारे देश के जजेस के पास जो होता है ना वो संविधान रखा होता है टेबल पर, वो शरिया नहीं रखा होता है। तो जिसको भी अगर ऐसा लग रहा है कि नाजिया का मुंह बंद करवा देगा, वो दिन में सपने देख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। और ऐसे चीथड़े उड़ाऊंगी मैं कोर्ट के अंदर, ऐसे चीथड़े उड़ाऊंगी कि ये नबी की उम्मत जो खुद को बोल रहा है और नाजिया को बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहा है, ये कितना बड़ा नबी की उम्मत है पहले ये तो बता दे। इतनी आयतें पढ़ूंगी कोर्ट के अंदर, इतनी आयतें पढ़ूंगी और खड़े खड़े कहूंगी कि इसका तर्जुमा बता, और अगर नहीं बताया तो यहीं के यहीं तो इस्लाम और मुसलमान है ही नहीं। तो इसलिए अनम अब उन मुसलमानों को सामने आने की जरूरत है जो वाकई में अल्लाह तबारक ताला के मुसलमान है, जो वाकई में अशरफुल मखलूकात है, जो वाकई में मोमिन और मोमिनात है, जो वाकई में अल्हामी किताब अल कुरान को सिर्फ मानते हैं, जो वाकई में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कही हुई बातों को मानते हैं। अब ऐसे मुसलमानों को आगे आकर के बात करने की जरूरत है, नहीं तो इस्लाम को बदनाम करने वाले इस पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। और हम हर रोज बैठ करके कभी अल जजीरा पर टॉपिक करेंगे, कभी बीबीसी पर टॉपिक करेंगे, और कभी किसी 70 साल के मुल्ले के बलात्कार, 7 साल की बच्ची का बलात्कार पर हम टॉपिक करते रहेंगे। सो हम जैसे मुसलमानों को रोकने की कोशिश बहुत बंदर करेंगे, बहुत लफंदर करेंगे, और वो भी मुसलमान होंगे, लेकिन हमें खामोश भी नहीं होना है, हमें पीछे भी नहीं हटना है, हमें डरना भी नहीं है। और ऐसे ऐसे लफंदरों का और ऐसे ऐसे अश्लील मुसलमान मर्दों का और ऐसे ऐसे बाबरे आजम के ठरके आजमों का जवाब, एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।
बिल्कुल बिल्कुल सही मैम, आई एग्री। और यहाँ पर एक एंड पर मैं बात ही कहूंगी कि हमें खुद बजाते मुसलमान हो या पाकिस्तानी हो या किसी भी मुल्क से हो, हमें खुद ठीक होना पड़ेगा। हम ठीक होंगे ऑटोमेटिकली हमारी रिस्पेक्ट भी होगी और दुनिया में वैल्यू भी होगी। और यहाँ पर बांग्लादेश के आपने थोड़ा सा बात की, तो मैं बस लास्ट पे एक बात कहना चाहूंगी कि इंसान अगर है, धर्म नहीं देखना, मुसलमान है, हिंदू है या जो भी है, इंसान है तो इंसानियत है सबसे पहले। और इंसानियत के तौर पर मैं, हमारे अगर देखने वाले पाकिस्तानी हैं, तो एक पैगाम देना चाहूंगी कि हम फलस्तीन पर आवाज उठाते हैं, मुसलमान हैं। हम कश्मीर को कहते हैं कि कश्मीरी बड़े ज्यादा वहां पर तंग हैं, तो हम आवाज उठाते हैं कश्मीरियों के लिए। तो बांग्लादेश के अंदर जब हिंदुओं के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है और कर्द भी मुसलमान रहे हैं, तो हम मुसलमान क्यों आवाज नहीं उठा रहे? और हम क्यों नहीं सिर्फ एक बयान ही रिकॉर्ड करवा दे, एक अपने अल्फाजों में सिर्फ ये अल्फाज ही निकाल दे कि गलत हो रहा है, हमें मजम्मत करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, कुछ ना करो, एटलीस्ट अपनी मतलब लफ्जों में ही सिर्फ बता दो कि हाँ हम इंसान और इंसानियत रखते हैं बस। और ये बात बात ऐसी ही है अगर मैम कि किसी को बुरी भी आप लगती है। मुसलमान मुसलमान अब इंसान बचा कहाँ है? अब तो वो जंगजू और ज़ॉम्बी हो चुका है, अब तो वो मुगल को फॉलो कर रहा है। क्योंकि अगर हमारे मुसलमान वाकई में इस्लाम को और अल कुरान को फॉलो कर रहे होते, तब तो इंसानियत की बात 306 बार लिखी हुई है। नो डाउट, सही बात है मैम। और मुझे सच में बहुत दुख है जो भी बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, और ये इंतजार पसंद जल्द से जल्द खत्म हो जाए और इनका जो है खात्मा हो जाए, और जिससे भी हो जैसे भी हो बस, लेकिन सबकी जानें महफूज रहें। और इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा मैम, आपने बहुत ज्यादा अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे देखने वालों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर मैम से कोई सवाल है या इस पर कोई जवाब देना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स हाजिर है। थैंक यू सो मच मैम, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, गुड नाइट। मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लायका जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि नाज़िया खान जी के खिलाफ सोशल मीडिया में एक बॉयकॉट का पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है, पर हमने उसे हराना है और नाज़िया खान जी को सपोर्ट करना है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोज लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।